नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। सो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, ताबड़तोड़ फॉर्म हो रहा है रिजेक्ट, लगातार अपडेट हो रहा है स्टेटस। इस बारे में आपको जानकारी होगी कि स्टेटस जो है आप लोगों की लगातार अपडेट हो रहा है, लेकिन फॉर्म क्यों रिजेक्ट हो रहा है वो जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी आप लोग एक्शन ले सकते हैं। सो किन छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं और किन के नहीं होंगे रिजेक्ट, उस बारे में आपको बताऊंगा। सो वीडियो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली मिस मत करना, पूरा देखना, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी मैंने उठाए हैं, उनके भी जवाब भी दूंगा इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो में पूरा बने रहना। सो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, और जो पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। सो चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। सो बेसिकली फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हो, फॉर्म अब तक रिजेक्ट मतलब यहाँ पर रिजेक्ट किसी का नहीं हुआ, जो यहाँ पर पेंडिंग ही है। लेकिन यहाँ पर आप लोग अगर फोर्थ पॉइंट नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखिए रिजेक्टेड बाय बैंक। और आप में से अभी जो देख रहे हैं वीडियोस, उनमें से कई लोगों को ये समस्या आ चुकी होगी ऑलरेडी। ये दो तीन लोगों की मेरे पास आई, तो मैं सोचा आप लोगों को शेयर कर दूँ। यहाँ पर आप देखिए रिजेक्टेड बाई बैंक हो गया, लेकिन यहाँ पर अभी भी पेंडिंग है। इसका मतलब ये है कि उनको मौका दिया जा रहा है कि लोग ये चीज़ सही कर ले, ताकि यहाँ से रिजेक्ट ना हो। सो आप में से बहुत लोग होंगे जिनका रिजेक्टेड बाई बैंक दिखा रहा होगा, और ये क्यों हुआ उस पर बात करेंगे। देखिए लिखा ना UID never enable for DBT। सो ऐसा रिजेक्ट बहुत लोगों का हो रहा है। और आप लोगों को एक बात और भी जाननी होगी कि स्टेटस जो है लगातार अपडेट हो रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को सुबह की वीडियो में बताया था कि अब जो है कि DWO जो हमारा डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी और ये जो समाज कल्याण है, वो तेजी से लग गया आपके फॉर्म्स पे, मतलब काम करने में लग गया। इस वजह से आपको स्टेटस लगातार आज आप में से मैक्सिमम लोगों के स्टेटस आज नेक्स्ट राउंड में अपडेट हुए होंगे। आप लोग चेक करो अगर नहीं किया अब तक तो। सो ये समस्या ना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको दो काम करने होंगे जो मैंने आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ कि ये समस्या आपको ना हो, आपको आधार से लिंक करा लेना है पहला तो आपका खाता, और दूसरा चीज़ आपको NPCI मैपिंग कर लेनी है। ये जो काम आप लोग करके रख रहोगे, आप ये देखो एक चीज़ है, एक छात्र का आप ये जरा ध्यान से देखो, सर मेरा रिजेक्टेड बाई बैंक रीजन बैंक एंड IFSC कोड आर नॉट रिलेटेड, जबकि मैंने देखा तो सही IFSC बैंक और नेम इनका सही है, उसके बावजूद ये रिजेक्ट आया है, जबकि बहुत दिन से इनका पेंडिंग था, आज अपडेट हुआ ये बता रहा है, बाकी करंट स्टेटस में अभी पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है। सो ऐसा किसको आ रहा है, ऐसा जनरली इनको आ रहा होगा जिनका NPCI मैपिंग नहीं हो रखा होगा, इस वजह से इनका आ रहा होगा। देखिए इन्होंने बोला ना कि पिछली बार इनका, जबकि इसी में पिछली बार इन्होंने वेरीफाइड भी था और इनका अकाउंट में पैसा भी आया। सो इस बार ऐसे जिनका भी आ रहा है उनको दो काम करने होंगे, एक बार तो बैंक जाके आप लोग दोबारा से अपना बायोमेट्रिक देके आधार लिंक करा लो, और ये NPCI वाली चीज़ भी चेक कर लो, ताकि आपको ये समस्या न आए। अब दूसरा लेते हैं, दूसरे स्टेटस की तरफ। स्टेटस एग्जैक्टली होना क्या चाहिए आप लोग का, वो ये होना चाहिए आपका वेरीफाइड बाई बैंक होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपका रिजेक्टेड आ गया तो इसका मतलब आपको वो जो पहले मैंने बताया उन दोनों में से कोई एक चीज़ या फिर दोनों चीज़ें आपकी नहीं हो रखी, इस वजह से यहाँ पर रिजेक्ट हो गया। अगर यहाँ पर वेरीफाइड है इसका मतलब आपका ओके है। देखिए वेरीफाइड रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, इसका मतलब कि इनका ओके है, छात्रवृत्ति भी हो सकता है आ गई होगी या एक दो दिन के अंदर आने वाली होगी। सेम स्टेटस ये वाला भी है, इनका भी देखिए वेरीफाइड बाई बैंक है, 17 दिसंबर का वेरीफाइड हो रखा है। सो उम्मीद है कि स्कॉलरशिप इनकी आ गई होगी जिनका मैं दिखा रहा हूं। अब आप लोगों के कमेंट्स से मैं सवाल उठा लेता हूं। ये देखिए इनको बोल रहे हैं सर बैंक वाले मना कर रहे हैं NPCI से लिंक करने को, बोल रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन ओनली आधार से लिंक होता है, पहले भी स्कॉलरशिप आ चुकी है, लास्ट ईयर अकाउंट इसी में। अगर पहले भी स्कॉलरशिप आ रखी है इसका मतलब ऐसे लोगों का NPCI मैपिंग ऑलरेडी हो रखा है। अगर आपकी पहले उसी में आई है तो एक बार आप जो मैंने वीडियो में बताया था वो चेक भी कर लो, क्योंकि कैसे आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, स्टेटस कैसे चेक करें पूछ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्टेटस चेक करना आता होगा, इसलिए इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, या बनाऊंगा आप लोग कमेंट में बता दो, क्योंकि स्टेटस चेक करना आप लोगों को आता होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल है स्कॉलरशिप। देखिए एक स्टूडेंट की स्कॉलरशिप भी आ गई है 7700 रुपये। देखिए इन्होंने कमेंट में ही लिखा है वीडियो के कि मेरी 7700 रुपये देखिए स्कॉलरशिप इनकी आ गई है। मैंने स्क्रीनशॉट और प्रूफ नहीं मांगा है, लेकिन आप लोग कमेंट में देख सकते हो इनका, इन्होंने बताया। आप में से जिनकी भी आई होगी वो लोग कमेंट में बताएं, ताकि और लोगों को हेल्प हो कि आई या नहीं आई। सो अगला सवाल ले लेते हैं, सर मेरा वेरीफाइड दिखा रहा है और मैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरा कब तक आएगा। जिनका वेरीफाइड है उनका आज या कल में आ जाना चाहिए, अगर सब कुछ वेरीफाइड है आपका तो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या है यहाँ पर, मेरा NPCI से लिंक नहीं है तो कैसे NPI से लिंक होगा। ये मैंने वीडियो में बनाया था, आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में उसकी लिंक मिल जाएगी, ये वीडियो आप लोग देख लेना। NPCI से कैसे लिंक करें, कैसे चेक करें स्टेटस, वो आप लोग बताओ कमेंट में कि ज़रूरत है या नहीं, तभी मैं वीडियो बनाने की सोचूंगा। मुझे उम्मीद थी कि सबको आता होगा। सो इस वाली वीडियो में इतना ही गाइज, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर होंगे, आपको क्या काम करना है वो दोनों चीज़ें आप लोग कर लेना, चेक कर लेना ज़रूर एक बार, ताकि आपको ऐसी कोई समस्या ना आए। सो चलिए गाइज वाली वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।